राइट, रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया। तो कल हमने देखा था एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक साथ चलते हैं, लेकिन एलिमिनेशन यूजुअली स्ट्रांग बेस के साथ होता है और सब्स्टिट्यूशन यूजुअली वीक बेस वाले प्रिफेर करते हैं। उसके बाद बल्की बेसिस एलिमिनेशन करते हैं और स्मॉल बेसिस एलिमिनेशन भी कर सकते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, और यह सब लॉजिक मैंने बताया था। उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स के बारे में मैंने बोला था। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हमने ये पढ़ा है। तो अगर यहां पर आप देखोगे, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन खोल के देखोगे एक बार, मैंने वहां पे सब कुछ बताया हुआ है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ये सब क्या होता है। और उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। सो अगर यहां पे देखोगे तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये देखिए ये गलत, क्या गलत कर दिया, ये बॉन्डिंग गलत है। मैं बताता हूं आपको बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, आपको भी पता है बॉन्डिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए। बेटा यहां पे ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे होती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ठीक से नहीं करते लड़के, ठीक है। ओके, तो ये है आपके अल्फा हाइड्रोजन्स, ये है, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, लेकिन ये C2H5, ये पांच, यहां पे तीन है अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे पांच है क्या, बोलो एक बार, क्या सोर्नो, ये पांचों के पांचों अल्फा है क्या। No, ठीक है ना, तो वो देखना पड़ेगा ठीक से, मतलब जित देखिए ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, बस इसका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा ना। ये C2H5 है, इसका मतलब क्या है ये, मैंने जानबूझ के वहां पे वैसा एग्जाम्पल दिया है, CH2CH3, तो ये अल्फा है ये तो बीटा है, तो सिर्फ अल्फा वाले यहाँ पे दो ही है, बाकी के तीन बीटा हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये तीन और ये दो, तो ये पांच हो गए। सो फाइव नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने, और यहां पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक अल्काइल ग्रुप, और ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप ही है, तो दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और अल्फा हाइड्रोजन छह है, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन पांच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर प्लस वन रहते हैं, मतलब सिक्स रहेंगे, 5 + 1 = 6। अल्फा हाइड्रोजन अगर पांच है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से एक ज्यादा होते हैं टोटल नंबर ऑफ, द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बात क्लियर है क्या। अगर एन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो एन प्लस वन है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे, देखिए फिर से इस लड़के ने लिखते वक्त गलती कर दी है, क्या होना चाहिए, इधर भी ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये है आपका क्या, देखिए इसने गलती कर दी है, पूरी की पूरी गलती कर दी है इसने, मतलब ये आप भी गलतियां कर सकते हो, इसीलिए मैं ये आपको बताता भी हूं। तो क्या गलती हुई है देखिए, एक तो गलती यहां पे हुई थी, ये बॉन्डिंग गलत है, बॉन्डिंग ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, फिर यहां पे गलती कर दी इसने, देखिए ये लिखने का तरीका ही गलत है, ये सी और CH3 क्या कर दिया,
हाँ ओके, तो ये जो सी है ना, ठीक है, ये जो सी है ये सी की तरह निकला, ये एक्चुअली ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट होना चाहिए। ये होना चाहिए ब्रैकेट, ठीक है। अब ठीक है, तो अब ऐसा करने पर अगर आप देखोगे, अब इसको ठीक से अगर हम लिखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड C हो गया, एक हाइड्रोजन और ये एक CH3, एक हाइड्रोजन ये नीचे, तो अब हो गई ये अल्काइल ग्रुप, सिर्फ एक ही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, और तीन अल्फा हाइड्रोजन्स है, तीन अल्फा हाइड्रोजन्स, बात खत्म, ठीक है। तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर कितने आएंगे, 3+1 यानी कि 4 आएंगे, ठीक है, अल्फा से ज्यादा एक होता है, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद अब ये देखोगे तो ये है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, कैसे, इसको एक माना जाता है, फिर इसको एक अल्काइल ग्रुप, इसको एक अल्फा ग्रुप, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या, हाइड्रोजन है। तो तीन अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर और अल्फा हाइड्रोजन सात है, और यह है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सात कैसे है, यहाँ पे दोन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक अल, नहीं, ये तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ, और यहाँ पे दो, सात अल्फा हाइड्रोजन। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो जरा एक बार, नहीं। इस तरीके से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पे अगर देखोगे, ये है अल्फा हाइड्रोजन, और बाकी ये वाले सभी बीटा हाइड्रोजन हो गए। अगर आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करके देखोगे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसके ऊपर, क्योंकि ये तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे तो क्या आएगा इसका, सी डबल बॉन्ड सी ये, ठीक है, और इसके इधर दो हाइड्रोजन है, फिर इधर एक हाइड्रोजन है, और इधर इधर देखिए एक कार्बन है, नहीं, एक हाइड्रोजन इधर का हो गया, जरा ठीक से इसके ऊपर देखना है हमको, एक हाइड्रोजन हो गया, और एक ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप क्या है, CH, CH3, CH3। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर, जरा बोलो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया क्या, फटाफट बोला करो, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर सिर्फ एक ही, ये भी अल्फा नहीं है, ये भी अल्फा नहीं है, ये भी अल्फा नहीं है, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसके ऊपर एक ही अल्काइल ग्रुप है, देखिए ये, इनको काउंट नहीं करना है, इनको काउंट नहीं करना है। अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप है उनको काउंट करना है, इनको मत करो काउंट। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट। फिर बात इसकी आती है, इसके ऊपर तीन अल्काइल ग्रुप्स है, यानी ये दो, यानी ऐसा होगा, ये CH3, CH3, और ये इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, तीन अल्काइल ग्रुप। अब आपको समझ में आए होगा, अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लिए, पूरे के पूरे एग्जांपल, इसको एक लेता हूं मैं, लास्ट वाले को, बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने। ये देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इसको भी अल्काइल ग्रुप ही समझना है, और इसको भी अल्काइल ग्रुप समझना है, इसके ऊपर का, इसको भी समझना है पूरे को, तो ये चार अल्काइल ग्रुप है, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। और हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर दो, इसके ऊपर तीन, इसके ऊपर दो, और यहां पर कितने होंगे, यहां पर बोलो एक बार, लास्ट वाले पर, यहां पर अंजलि दो कहां से आ गए, चार ही तो बॉन्ड करेगा ना कार्बन,
एक दो तीन तो कर दिए, अब एक ही बचा बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन है इसके ऊपर। समझ में आया? एक ही हाइड्रोजन है। एक दो और तीन पांच छ, अरे कहाँ से, यहाँ पे दो और दो चार पांच छ सात आठ, तो टोटल हो गए 8 कार्बन। हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर 8+1 9, तो ये हो गया टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। सो जहां पर सबसे ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मुझे लगता है यही है 12 वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल है वो, इससे ज्यादा स्टेबल कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से अल्किन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते हैं। समझ में आया? बोलो जरा, सब कुछ समझ में, ये पेज पूरा समझ में आया क्या? राइट। अब उसके बाद देखिए, अब ठीक से चलिए, मैं जरा ठीक से दिखाता हूं आपको, पहले टेंशन मत लेना। चलिए, ये तो नहीं समझेगा इसे, ठीक है, समझेगा। चलिए, अब हमको देखना है अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है। देखिए जरा ठीक से देखना, ये आपका हेलोजन है, ये इधर है आपका हेलोजन। चलिए फिर से ड्रॉ करूंगा, या इसी के ऊपर बताओ, बोलो जरा, फिर से ड्रॉ करके समझता है या इसी के ऊपर बताने पर समझता है, बताओ तो मुझे जरा। फिर से लिखने पर, लिखते लिखते बताने पर, या जो ऑलरेडी लिखा है उसके ऊपर? हाँ कुछ भी चलेगा, लेकिन ठीक है, मुझे लग रहा है कि जरा फिर से लिखेंगे तो जरा आपको क्लैरिटी आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारा लिखा हुआ है ना, बहुत सारा लिखा हुआ है, तो जरा फिर से लिखेंगे। चलो चलिए, अब यहां पे एक्चुअली क्या करना है हमको, देखिए आपके पास ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है, ये ऐसे 4 कार्बन वाला एक हेलोजन डेरिवेटिव है आपके पास। मान लेते हैं यहां पर हेलोजन है ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। और ये इस तरीके से, तो अब हमारे पास अगर देखोगे तो ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और ये भी है बीटा कार्बन। मान लेते हैं ये बीटा वन है, मान लेते हैं ये बीटा टू है। तो सिंपल सी बात है, जब हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, देखिए एक्वेस KOH में तो सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहलिक में सब्स्टिट्यूशन भी होता है लेकिन इलिमिनेशन भी होता है। तो हम अभी इलिमिनेशन पर फोकस करेंगे, और आपको यही याद रखना है कि इलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हम दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH बेटा, देखिए अल्कोहलिक KOH। अब अगर अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो इलिमिनेशन कैसे होता है? एक तो ये दोनों निकल सकते हैं, या फिर ये दोनों निकल जा सकते हैं, HBr मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाते हैं, तो इसे हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। डी का मतलब निकल जाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इलिमिनेशन, इस इलिमिनेशन को डी हाइड्रो। फंक्शनल ग्रुप ये है ना बेटा, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, ठीक है, समझ में नहीं आया तो नो बोलो। ये हो गया आपका डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब अगर हम अल्कोहलिक KOH चूज करते हैं तो HBr निकल जाता है, राइट?
लेकिन HBr मतलब हाइड्रोजन कहाँ का निकल गया, बीटा टू का निकल गया, राइट। सो बीटा टू के साथ इलिमिनेशन कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा CH3CH। यहां का हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही है, बस यहां से निकल गया, इसलिए इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा CH, डबल बॉन्ड CH2। चलो पहला प्रोडक्ट समझ में आया क्या, बोलो एक बार। अरे पहला प्रोडक्ट समझ में आया क्या, राइट। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये देखिए, ये दोनों निकल जाएंगे, यानी बीटा वन के साथ इलिमिनेशन अगर करता है ब्रोमीन, बीटा वन के साथ अगर हमारा इलिमिनेशन होता है, तो सिंपल सी बात है यार, डबल बॉन्ड तो ये निकल गई, इसलिए डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच आएगा, ठीक है ना। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, ये देखिए नीचे का एच है वो निकल गया है ना, निकल गया ना वो, और यहाँ का जैसे है वैसे है, मतलब एक्चुअली इसको मैं CH3 लिख सकता हूं, लेकिन वही सेम स्ट्रक्चर दिखे इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। बीटा वन बीटा टू कुछ नहीं यार, इसको बीटा टू कह सकते हो, इसको बीटा वन कह सकते हो, मतलब ये भी बीटा है ये भी बीटा है। अब किसको, तो समझने के लिए अगर मैं बार बार बोलूंगा इस बीटा से निकल गया, इस बीटा से निकल गया, राइट वाला बीटा लेफ्ट वाला बीटा, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो एक को मैंने बीटा वन बोला, एक को मैंने बीटा टू बोला, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इसको बीटा बोलो, इसको बीटा डैश बोलो, बीटा वन और बीटा टू, ऐसा वन टू में कोई टेंशन नहीं होता, ये अपने मन की बात है। लेफ्ट वाला बीटा राइट वाला बीटा ये भी कह सकते हो, लेकिन बार 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 कितनी बार कहेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, तुम भी हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बीटा वन बीटा टू ऐसी कोई मतलब ये नहीं रहती कि इधर कोई वन लेफ्ट को बोलना है, टू को बोलना है। तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन ये बस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने बीटा वन बीटा टू बोल दिया। एक लेफ्ट वाला बीटा है, एक राइट वाला बीटा है, राइट, उसके लिए मैंने वन टू ऐसा यूज कर दिया। दिस इज नॉट आईयूपैक कन्वेंशन। तो पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो इन दोनों में से बोलो मुझे कौन स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन है, बोलो पहले और दूसरे में। बहुत सही, दूसरा वाला स्टेबल है क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सो गए क्या, बोलो जरा। अरे दोनों में से स्टेबल कौन है, बोलिए जरा। बहुत देर लगा रहे हो यार, इसके ऊपर देखोगे तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, अल्फा हाइड्रोजन दो ही है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन देखिए एक तीन और ये तीन, मतलब छह हो गए, तो ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल। पेंटा सब्स्टिट्यूटेड नॉट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्बन कुल मिला के चार ही बॉन्ड कर सकते हैं, दो दोनों कार्बन, तो पेंटा सब्स्टिट्यूटेड इज नॉट पॉसिबल, वैसा वाला अल्किन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दिस इज मोर स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट अलग अलग नहीं फॉर्म होते, इसमें तो इलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एक्चुअली वो आपको किताब में नहीं दिया है एनसीईआरटी के, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी होता है थोड़ी बहुत प्रमाण पर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, ये माइनर है। मेजर प्रोडक्ट नियरली 80% होता है, लेकिन हर केस में 80% नहीं होता, केस टू केस अलग होता है, लेकिन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है और नियरली 80% रहता है वो, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट मैंने लिखे नहीं है, बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, के बी आर और H2, के बी आर और H2, तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन।
मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन. दिस इज सेटजेफ्स रूल. एक्चुअली ये सेटजेफ का रूल है, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल है वैसे सेटजेफ का रूल है. सेटजेफ का रूल क्या कहता है, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट. मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट. बात समझ में आई? आई तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो. आई है तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो. कमॉन, अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो, कमॉन. चलते हैं फिर अगले वाले स्टेप्स पर, अगले वाले पर. ये वाला अगर देखोगे यहां पर क्या कर दिया इसने, देखिए कैसे गलत तरीके से काम करते हैं लोग. ये अल्फा किसको बना दिया इसने, बीटा किसको, और फंक्शनल ग्रुप भी भूल गया बच्चा. देखिए यहाँ पे ब्रोमीन तो लगाना चाहिए ना इसने, वही नहीं लगाया और अल्फा नाम दे रहा है. कुछ तो बताओ, लगाओ यार ब्रोमीन क्लोरीन कुछ तो लगाओ, वरना ये अल्फा कैसे हो गया आपका. चलिए ब्रोमीन. तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है और ये वाला भी बीटा है. समझने के लिए इसको बीटा वन बोल दिया, इसको बीटा टू बोल दिया. तो क्या क्या हो सकता है इसके साथ, अरे इसके साथ क्या क्या हो सकता है. अगर एक्वेस KOH है तो ब्रोमीन की जगह पर क्या आया, देखिए OH आया. तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है ना आपको. अरे बोलो बच्चों पढ़ाइए. इसको जरा हटाता हूं मैं, ये कुछ बीच में आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है, मतलब यहां पे नहीं होना चाहिए उसे, इसे कहां पे होना चाहिए, इसको ना इधर होना चाहिए, इधर या फिर इधर. चलो तो अब अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये सब्सटीट्यूशन वाली बात समझ में आई. पहले तो सब्सटीट्यूशन वाली बात समझ में आई, उसके बाद एक्वेस KOH के बाद अब बात आती है बेटा अल्कोहोलिक KOH की. अल्कोहोलिक KOH में दो चीजें पॉसिबल है, मैंने बोला है, एक बीटा वन के साथ होता है. अगर इसके साथ इलिमिनेशन हुआ, यहां पर हाइड्रोजन है ना, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ सकता है, और यहां पर जो हाइड्रोजन है यहां, इसके साथ अगर इलिमिनेशन हुआ तो डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है. तो मैंने दोनों केसेस लिए. देखिए ये बीटा वन के साथ, ये मुझे लगता है ये क्लोरीन इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये बच्चा यहाँ पे ClCl लिख रहा है, Cl लिख रहा है. Cl का मतलब है कि क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, ब्रोमीन नहीं है, क्लोरीन है. और बाय प्रोडक्ट्स हर जगह, देखिए बहुत जगहों पर बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखे है, तो समझना है आपको कि कहां कहां पर. यहां पे अगर बाय प्रोडक्ट है तो KCl होगा. छोड़, समझ लो यार, क्या टेंशन की बात थोड़ी है. बाय प्रोडक्ट यहां पे अगर देखोगे, या फिर इधर ही बाय प्रोडक्ट लिख देता हूं, दोनों रिएक्शन ये इस वाले के अल्कोहलिक KOH को ऊपर लेके जाता हूं, राइट right? और बाय प्रोडक्ट में यहीं पे लिख देता हूं KCl कॉमा H2O. तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है, देखिए डबल बॉन्ड एक तो यहां पे आया है या फिर आया यहां पे, सिंपल सी बात है. तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए, ये एक यहां पर एक है और यहाँ पे एक ही, देखिए यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब चार ही अल्फा हाइड्रोजन है. जरा ठीक से देखो बेटा, चार ही अल्फा हाइड्रोजन है. और यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये वाले दो और ये वाले, इधर तो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा नहीं है, लेकिन ये वाले यहाँ पे दो है, तो टोटल छह अल्फा हाइड्रोजन है. और यहाँ पे तीन और एक, चार ही है. तो यहां पे ज्यादा है तो ये है मेजर प्रोडक्ट. चलो समझ में आया तो बोलो यस, अदरवाइज नो बोलो. ये अल्फा हाइड्रोजन वाला फंडा समझ में आया क्या, आया? बी टू कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अरे बी टू कहां फंक्शनल ग्रुप है बेटा, बी टू तो कार्बन होता है. तुमने जरा देखना होगा, तुमको अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट मैंने जहां पे पढ़ाया है ना,
पिछले के पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ पढ़ाया मैंने, जरा देखो वहां पे जाके कहां गए थे उस दिन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये माइनर है, ये मेजर। फिर भी आपको ट्राई डाई से ज्यादा ये देखना होगा कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। यूजुअली ज्यादा सब्स्टिट्यूशन यानी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। चलिए फिर ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अब इसको जरा आप खुद ट्राई करो यार, इसको जरा ट्राई तो करो, आप लोग खुद ट्राई करो। चलो जरा ट्राई करो खुद, देखो कुछ बनता है क्या, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अल्कोहलिक क्योज, एक्वेस क्योज का तो छोड़ दो, सिंपल है। चलिए 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 चलिए, नहीं, यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा, बताता हूँ मैं, बताता हूँ। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बात है, ये अल्कोहलिक केओएच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, ये अल्कोहलिक केओएच है तो सिंपल है। देखिए ये क्लोरीन है तो इधर से भी डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। ऊपर वाला डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट इधर है, नीचे वाला इधर है। अब अगर देखोगे तो ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। देखो यार डाई सब्स्टिट्यूटेड, अभी पता है आपको, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, और ये वाला यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए मेजर प्रोडक्ट तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये स्टेबल है, क्या है बोलो जरा। ये डाई ट्राई तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, कौन सी है, जो कि उससे भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी। यस, रेजोनेंस है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको, तो इसमें रेजोनेंस है। तो यहाँ पे ना ये लिखना बहुत जरूरी है, उसने डाई सब्स्टिट्यूटेड लिखा होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो रेजोनेंस एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं भी और रेजोनेंस है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्लास वर्क दिया था मैंने कुछ, एक्वेस एनओएच, अल्कोहलिक एनओएच। चलो क्लास वर्क करो, क्लास वर्क करो और मुझे भेजो। चलो कर लो क्लास वर्क, कर लो बेटा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आता है, चलो फटाफट क्लास वर्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला, फिर ये वाला, बहुत ज्यादा क्लास वर्क देता था मैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसके आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, इसको मत देख के लिख लो, खुद खुद अपने मन से करो, और करोगे भी इसका देख के तो क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे। आपका नुकसान होगा बस इतना ही है, और क्या, आपका ही नुकसान होगा। चलिए देखिए कर लो आप। ये क्लास वर्क कर लो आप, देखिए यहां पे ए बी सी, ए या फिर डी लिख देता हूं, ये पजल ही है अलग अलग तरीके के। ई एफ जी एच, इसको आई जे के, चलिए सब कुछ सॉल्व कर दो, बहुत मस्त पजल है, बहुत ही मस्त।
एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? यहां पे ना ये नहीं होना चाहिए। नो, यहां पे बी आर टू होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं आंसर से यहां पे बता रहा हूं। ये तो पहला ठीक है, OH चाहिए यहां पर, नो प्रॉब्लम। थोड़ा ऊपर लिखो, यस। ये अल्कोहलिक KOH पर मतलब दोनों के आंसर सेम ही आने चाहिए, मतलब ये और ये दोनों सेम ही है। ये CH2 इधर सिंगल बॉन्ड रखो, मतलब ये दोनों के दोनों वही है, सेम ही है। इसमें यहां डबल बॉन्ड लगाओ या यहां लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, सेम प्रोडक्ट। सो देयर इज नो माइनर और नो मेजर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, दिस बोथ थिंग्स आर सेम। फिर यहां पे ये ब्रोमीन, तो ऑफ कोर्स इधर आएगा आपका, हाँ ये बस ऊपर चाहिए। यहां पे मैंने बोला कि दोनों सेम हैं, फिर यहां NH2 चाहिए, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है। ये अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब इधर डबल बॉन्ड आया या तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, दोनों तरफ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। और HBR यूज किया है, मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगेगा क्योंकि H2O2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन सेम ही है, तो ब्रोमीन को कहीं पर भी लगाओ, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, नो प्रॉब्लम। चलो अब ये है ब्रोमीन, अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो एक तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, इधर वाला मेजर प्रोडक्ट है, राइट। तो इसलिए इसने इसको कट किया है, तो इसको मैं पूरा ही कट कर देता हूँ, मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। अगर कुछ बोला नहीं गया तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है आपको। फिर H2O2 यानी कि आपका ब्रोमीन आएगा बेटे, तो ब्रोमीन कहाँ पे आएगा? H2O2 के हिसाब से बोला जाए तो ब्रोमीन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर जाएगा, लेस नंबर यानी इधर आएगा, एक्चुअली ऊपर से, ठीक है थोड़ा, हाँ देखिए वो ब्रोमीन है भी, उसके बाद है एक KNO2 है, तो ये नो प्रॉब्लम। देखिए जरा बस लिखने में गलती हुई है, इसको क्या लिखना चाहिए, ठीक से लिखो, बॉन्डिंग गलत कर रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, बॉन्डिंग को ना इम्पोर्टेंस दिया करो, ऐसे नहीं होता, ठीक से, ठीक है। फिर LiAlH4 है तो सिंपली आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो मतलब अल्केन फॉर्म होता है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। और यहाँ पे सिर्फ गलती हुई है, LiAlH4 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका यहाँ पे Br2, तो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्सेप्ट लास्ट, ऑल आर करेक्ट। वाओ अंजलि, देखो कितने करेक्ट आए आप ही, बहुत से आता है, प्रैक्टिस करो, सब कुछ आएगा बेटा, सब कुछ आएगा, ठीक है। चलिए फिर आप क्या करो, अभी नोट्स लिख लो, हम मीटिंग को एंड करते हैं।